दोस्तों कहते हैं जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। चाहे वो आपकी सक्सेस है, चाहे आप कुछ हासिल कर रहे हैं या फिर आपने कुछ खो दिया भी है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है जो आपको लाइफ में एक डायरेक्शन दे डालती है कि आगे से मुझे ये काम नहीं करना या फिर मुझे ये काम करना है। चाहे वो राइट डायरेक्शन हो या फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन कह लीजिए, लेकिन हमारा एक कदम उठ जरूर जाता है उस चीज के बाद। दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। सीखना छोटी चीजों से नहीं होता या फिर बड़ी चीजों से नहीं होता, आप कहीं से भी सीख सकते हो। चाहे आप एक पार्टी में हैं, चाहे आप एक स्कूल में हैं, चाहे आप किसी की बारात में गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या आप वहां से अपने लिए कोई नॉलेज गेन कर सकते हो, क्या अपनी लाइफ को आप वहां से डायरेक्शन दे सकते हो। आपकी सोच एक ऐसी होनी चाहिए कि मुझे हर एक मिनट में कुछ ना कुछ सीखना है। मैं अभी पार्टी में आया हूँ तो क्या मैं यहाँ से कुछ सीख कर जा सकता हूँ। मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ तो क्या मैं इस इंजॉय, इस मजे में से भी कुछ सीख सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ बदल जाए या फिर यही नॉलेज मुझे कभी ना कभी काम आ जाए। आपकी सोच अगर हमेशा ऐसी है ना, तो आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही किस्सा शेयर करता हूँ, किनका, IAS ऑफिसर। हर किसी का सपना होता है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा शेयर करता हूँ IAS ऑफिसर सौम्या पांडे का। दोस्तों आप सबको बता दूं, इनका रैंक फोर्थ रैंक था, फोर जिसे हम कहते हैं, फोर्थ रैंक था 2016-17 में। हो सकता है मैं इनका नाम प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, लेकिन आई होप आप सब समझ गए होंगे। समझदार को कहते हैं ना कि इशारा काफी। दोस्तों इनका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, सोर्स जो कि मेरी कंपिटिटिव प्रेशर की तरफ से है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन जो इनका है वो बताता हूँ, जो मेन एक इंसिडेंट क्रिएट किया जिनसे एक लाइफ में इनकी डायरेक्शन आई और इन्होंने IAS ऑफिसर बनने का सोचा। दोस्तों इनसे सवाल किया गया कि व्हाट मोटिवेटेड यू ऑप्शन फॉर करियर इन सिविल सर्विस। तो इनका प्यारा सा क्यूट सा जो जवाब आया वो ये था कि व्हाइल अटेंडिंग फंक्शन ऑन बीइंग डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन CBSE क्लास X फाइनल, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड बाय SBI, आई मेट फ्यू सक्सेसफुल कैंडिडेट इन CSE हु मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दिस सर्विस। तो देखिए इनको डायरेक्शन कहां से मिली। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक फंक्शन को अटेंड किया 10वीं क्लास के, जिसमें जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था SBI की तरफ से। दोस्तों ये वहां पे CSE कि कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनके साथ मिली और इन्होंने उनको नॉलेज दी, मोटिवेट किया कि आपको इस सर्विस में जाना चाहिए। तो सोचने वाली बात है, हम तो कई इंसिडेंट मिस ही कर देते हैं, हम फंक्शन मिस कर देते हैं, अरे यार क्या जाना, स्कूल का फंक्शन है, ये है वो है, बेकार है। तो सोचने वाली बात है कि ना ये वहां पर जाती और ना ये आज इस मुकाम पे होती। जरूरी नहीं था इनको पेरेंट्स गाइड करते या वैसा कुछ होता। तो मतलब कहने का ये है कि इंसिडेंट कभी भी हो सकते हैं, आपको डायरेक्शन कहीं भी मिल सकती है। तो दोस्तों अगले 4 क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इनके साथ इंटरव्यू में हुए थे, तो आप हो सकता है अगले नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिल जाए। चलिए तो इनसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आपकी जो सीक्रेट है सक्सेस का वो क्या है एग्जाम को क्लियर करने का IAS के। तो इन्होंने एक सिंपल सा क्यूट सा जो जवाब आया वो ये था कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इतनी अच्छी बात है, नहीं तो लोग बोलते हैं मैंने ये पढ़ा, मैं वो किया, मैं बहुत मेहनत करता था, हार्डवर्क करता था। तो देखिए सोच इनकी, इन्होंने कहा कि मुझे गॉड की ब्लेसिंग थी, सपोर्ट थी पेरेंट्स की, और गाइडेंस जो थी वो टीचर्स की थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन इनसे ये था कि आपने ये जो करियर है, ये जो चुना, जो आपने एग्जाम क्लियर किया, बाय डिफॉल्ट अगर ये फेल हो जाता तो आप फिर क्या करती। तो कहते हैं एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए। तो इनका एक बैकअप प्लान था, इन्होंने कहा कि अगर मैं फेल हो जाती तो मेरा बैकग्राउंड जो था वो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैं ऑलमोस्ट जो था कैरियर इंजीनियरिंग में, सीक्रेट में, और या फिर PSU जॉब जो होती है वहां पे जाने की जो है कोशिश करती, वहां पे चली जाती। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मैं दोबारा से करूंगी या वैसा करूंगी। तो इनका एक बैकअप प्लान था जो कि अल्टरनेटिव था कुछ अलग करने का। हो सकता है उसके बाद इनका एग्जाम हो
तो सोचने वाली बात है, हमें एक बैकअप प्लान भी लेकर चलना चाहिए कि अगर उस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो कम से कम दूसरे के लिए भी हम कर लें अपनी ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि आपने कितना टाइम दिया और कितना टाइम इस एग्जाम को हमें देना चाहिए इस एग्जाम को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं। तो इनका सिंपल सा जो आंसर था, इन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 साल देना चाहिए और मुझे भी 1 साल ही तकरीबन लग गया इसकी प्रेपरेशन करते हुए। लास्ट क्वेश्चन जो आपको मोटिवेट करेगा वो ये है कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, जो इनके सवाल में इनको सवाल पूछा गया वो ये था कि इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था जिसने इनको इनेबल किया अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इनका जो आंसर था वो था कि डेडिकेशन, फोकस और टाइम मैनेजमेंट, और जो स्टडी थी वो लिमिटेड बुक्स को करना मेनी टाइम्स, मतलब जो बुक्स हैं उनको बार बार पढ़ना ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं, और फोकस करना टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, अपने वक्त के हिसाब से नहीं करेंगे, काम को टालते रहेंगे कि चलिए यार अभी नहीं हुआ तो बाद में कर लें, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज़, डेडिकेशन आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे, आपको लगता है ये वीडियो आपके नॉलेजेबल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से और सब्सक्राइब से, कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?